टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज। अगर आपको अभी के टाइम पे 30,000 के अंडर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कवर्ड डिस्प्ले के साथ आता हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अपने लिस्ट में मैंने 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को रखा है। सभी फोन कवर्ड डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले तो बढ़िया मिलेगा ही, कवर्ड डिस्प्ले के साथ मिलेगा। इसके अलावा अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा, बढ़िया कैमरा मिलेगा, OIS का सपोर्ट होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा, बड़ा रैम स्टोरेज भी होगा। तो फीचर्स वगैरह भी इन सभी फोन्स में काफी बढ़िया होने वाला है। तो अगर आप इन सभी फोन्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। 30,000 के अंडर में कवर्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला पहला बेस्ट स्मार्टफोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला एज 40। जी हाँ दोस्तों, कवर्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है एंड इस बजट के हिसाब से इस फोन में सभी फीचर्स काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इसमें 6.55 इंच का फुल HD प्लस पंच होल कर्व्ड PoLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट भी है। तो कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आ रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह भी काफी बढ़िया है, तो डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड जो है ना, दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 32 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.4 का अपर्चर है। इस फोन के सभी कैमरा से, यानी कि प्राइमरी कैमरा से, सेल्फी कैमरा से, अल्ट्रा वाइड कैमरा से, सभी कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, और पीछे का ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। तो कैमरा भी इस फोन का सही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो गाइस इसमें MediaTek Dimensity 8020 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये ना 5G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। हाँ, तो प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4400mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 68W का चार्जर को। गाइस ये एक बढ़िया चार्जर है, आपके फोन को तेजी से चार्ज करके दे देगा और बैकअप भी ठीक ठाक मिल ही जाएगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड लेदर का बना हुआ है एंड एल्यूमिनियम का फ्रेम है। 171 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.58mm का थिकनेस है। ये फोन काफी पतला एंड हल्का सा फोन है, यानी कि लाइट वेट सा फोन है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। इसमें 2 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिलेगा और 3 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं होगा, नहीं 3.5mm वाला जैक है। ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि वाटरप्रूफ फोन है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 26,999 रुपया है, यानी कि 27,000 रुपया है। अगर आपका बजट और भी कम है, यानी कि 22-23,000 के आसपास में है, तो इसके जगह पे आप मोटोरोला एज 40 न्यू को भी ले सकते हैं। 30,000 के अंडर में आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में दूसरा फोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 11 प्रो प्लस 5G। जी हाँ दोस्तों, 30,000 के अंडर में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है एंड फीचर्स वगैरह भी काफी बढ़िया मिलेगा इस फोन में। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस पंच होल कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा एंड 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। तो स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, इवन डिस्प्ले कर्व्ड डिस्प्ले मिल रहा है तो और अच्छी बात है ये। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड 1.7 का अपर्चर है और आप मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा इस फोन का सही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो इसमें MediaTek Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 5G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और 5.5 लाख प्लस अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर को खराब नहीं कह सकते हैं, इस बजट के हिसाब से ठीक है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 100W का चार्जर को। ये भी एक बढ़िया चार्जर है, आपके फोन को तेजी से चार्ज करके दे देगा और 5000mAh का बैटरी है तो बैकअप भी मिल जाएगा। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड जो है ना, लेदर एंड प्लास्टिक का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8.2mm का थिकनेस एंड 183 ग्राम इस फोन का वेट है। तो बिल्ड क्वालिटी
एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी खूबसूरत सा लगता है दिखने में। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, नहीं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होगा। स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन कलर ओएस V13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 27,000 रुपया है। वेरिएंट का प्राइस यानी कि 12256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 30,000 रुपया है। तो 30,000 के अंडर में कवर्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 5G। गाइस ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको 30,000 के अंडर में मिल जाएगा एंड कवर्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। और इस बजट के हिसाब से फीचर्स वगैरह काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा इस फोन में। तो चलिए देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है। इस फोन का बैक साइड जो है ना ग्लास का बना हुआ है, 180 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.4mm का थिकनेस है। ये फोन जो है ना काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी बढ़िया है। इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं होगा, ना ही 3.5mm वाला जैक मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फंटस 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स वगैरह का। अब तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। ब्राइटनेस काफी ज्यादा है एंड स्मूथनेस वगैरह भी सही है और डिस्प्ले कर्व्ड एमोलेड है तो और अच्छी बात है ये। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है एंड सेल्फी कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड आप मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, और 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। गाइस कैमरा जो है इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा प्राइमरी कैमरा दोनों कैमरा बेस्ट है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये एक 5G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड 6,10,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर जो है ना पावरफुल है एंड स्कोर भी सही है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4600mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 66W का चार्जर को। ये चार्जर तेजी से चार्ज करके दे देगा आपके फोन को और बैकअप भी सही मिल जाएगा। रैम स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 30,200 रुपया के आसपास में है। और ध्यान रहे कि इस फोन का प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो इस चीज को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो 30,000 के बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब अगर आपका बजट 30,000 से कुछ ज्यादा ही कम है यानी कि 25,000 के आसपास में है तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन है एंड इस बजट के हिसाब से इस फोन में सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी वगैरह से ही। बैक साइड जो है ना इस फोन का ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 175 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 7.36 mm का थिकनेस है। ये फोन ना पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वाइज दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी बढ़िया है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन फंटच OS 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। IP52 को रेटिंग मिलेगा इसमें। ध्यान रहे कि इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा और ना ही एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स वगैरह का। तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120 हर्ट्ज का ये रिफ्रेश रेट एंड 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये चीज बढ़िया ही है और ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है जिससे अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करेंगे तो वहां पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आ रहा है तो अच्छी बात है, डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा इस फोन का। इसके अलावा कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। और बात रहा सेल्फी कैमरा का तो वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा वगैरह इस बजट के हिसाब से सही है बट ध्यान रहे कि इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। इस बजट के फोन में जैसा कैमरा होना चाहिए वैसा कैमरा मिल जाएगा। खैर प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 वाला प्रोसेसर मिलेगा। गाइस ये एक 5G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड 7
Intellect Plus Antutu स्कोर भी है। स्कोर काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। इवन प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा। वहीं पे बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4600 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 66 W का चार्जर को। ये एक बढ़िया चार्जर है, आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके दे देगा और बैकअप भी जो है ना ठीक ठाक मिल जाएगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8 GB का रैम एंड 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन भी आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगा। बेस वेरियंट का प्राइस यानी कि 8128 वाले वेरियंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 23,999 रुपया यानी कि 24,000 रुपया है। और इस फोन का टॉप वेरियंट को लेने के लिए यानी कि 8256 वाले वेरियंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 24,999 रुपया देना होगा यानी कि 25,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। तो 25,000 के बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में आखिरी फोन जो आता है ये फोन भी आपको 25,000 के अंडर में ही मिल जाएगा। अगर आपका बजट 30,000 से कुछ ज्यादा ही कम है और आपको कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। एंड इस बजट के हिसाब से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। बैक साइड जो है ना ग्लास एंड लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 7.9 mm का थिकनेस एंड 185 g इस फोन का वेट है। ये फोन जो है एकदम पतला सा फोन है और वेट ठीक ठाक ही है और खास करके डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। इसमें डुअल स्पीकर्स मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट तो होगा ही। ये फोन IP53 रेटिंग के साथ आता है, XOS 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.78 inch का फुल HD+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। 144 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360 Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 950 nits का पीक ब्राइटनेस भी है। तो यहाँ पे कर्व्ड डिस्प्ले मिल रहा है तो अच्छी बात है एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलेगा। अच्छी बात तो यह है कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन आता है तो ये चीज काफी लाजवाब का है। वहीं पे कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 108 MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का एंड सेल्फी कैमरा वो 50 MP का है। प्राइमरी कैमरा में OIS का सपोर्ट मिलेगा एंड आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो इसमें MediaTek Dimensity 8020 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 6 nm के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड 6.5 lakh के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। हाँ, तो प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर इस बजट के हिसाब से ठीक ही है। बैटरी की बात की जाए तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 68 W का फास्ट चार्जर को। ये बढ़िया चार्जर है, आपके फोन को तेजी से चार्ज करके दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 12 GB का रैम एंड 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 23,000 रुपया है। वेरिएंट का प्राइस यानी कि 12256 वाले वेरिएंट के टाइम पे 23,999 रुपया है यानी कि 24,000 रुपया है। तो 25,000 के अंडर में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 30,000 के अंडर में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है जिसमें कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।